और हम लोग को बहुत दूर दूर के लिए पानी के लिए जाना पड़ता था। हम लोग बगल में कहीं गोभी के लिए जाते हैं, वहाँ पर गेट बंद कर दिया जाता है और हम लोग चारदाना सुखा के नीचे पानी देने के लिए जाते हैं और फिर भी नहीं मिलता पानी। जहाँ जाता पब्लिक ने मन बना लिया है कि जुमलाबाजी वाली भाजपा सरकार जो केंद्र में भी है और जो राज्य में भी है उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मूल सुविधाएं उपलब्ध भाजपा सरकार अभी तक नहीं करवा पाई है। आप देख सकते हैं महिलाएं कैसे त्रस्त हैं, चाहे वो या युवाओं की बात करें तो रोजगार के लिए त्रस्त हैं। यहाँ पे जो पानी की समस्या, हर एक वार्ड में रांची में पानी की समस्या है। जो हमारे सांसद रामलाल चौधरी जी हुआ करते थे, आज तक अपने क्षेत्र में झांके नहीं। आज तो रामलाल चौधरी ने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन सत्ता का लालच इन लोगों को शुरू से रहा है, इसीलिए आज मेरे ख्याल से वो नामांकन भी आगे भरेंगे। लेकिन जो भी लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा में है और अंत में जीत कांग्रेस की ही होगी। कितने आश्वस्त है आप अपने प्रत्याशी के लिए? माननीय सुबोधकांत साहे जन जन के प्रत्याशी हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, सुबोध भैया बोलते हैं। एक बार फिर से उनका समय आ गया है जनता की सेवा करने के लिए, 2019 में वो तैयार है। पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? आप देख सकते हैं सामने में भाजपा से कैसे त्रस्त हैं लोग, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में भी, और आने वाले समय में राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।